हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट अरीबा। मैं अरीबा आज आप लोगों को VLCC की सैंडल क्लेंजिंग मिल के बारे में बताऊंगी, इसका रिव्यू करूंगी और एक लगाने का अच्छा वे भी बताऊंगी। टॉपिक देख के तो आप समझ ही गए होंगे। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो फ्रेंड, मैंने VLCC नेचुरल साइंस की सैंडल क्लेंजिंग मिल्क लिया है। क्लेंजिंग मिल्क हमारे फेस के लिए कितना ज़रूरी है मैं आज आपको बताऊंगी। क्लेंजिंग मिल्क फेस के लिए एक देन है, आप इसे एक वरदान माने। अपने फेस को आपको नई जान आ जाएगी, आपके डेड सेल्स सारे रिमूव हो जाएंगे और आपके स्किन पे एक बहुत ही नई नई शाइन दिखाई देगी, एक नई कोशिकाएं आपकी आ जाएंगी फेस पे। सो फ्रेंड, मैं आपको बता देती हूँ, आपने VLCC का सैंडल क्लिनजिंग मिल्क लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा नॉन ग्रेसी है, इसमें आपको ज़्यादा ऑयल आपके फेस पे नहीं आएगी। ये स्किन डिफेंस है सैंडल की, नॉर्मल टू ड्राई स्किन। ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं और ये ऑयली स्किन वाले लोग भी यूज़ कर सकते हैं, डीप क्लेंजिंग एंड सूथिंग स्किन्स। सो फ्रेंड, मैंने इसे 140 में बाय किया है। ये 100 ml 140 में मैंने लिया है, मैंने अमेजोन से बाय किया। आप चाहें तो वहाँ से बाय कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है, आपको सेम प्रोडक्ट मिल जाएंगी। ये VLCC की है, नेचुरल साइंस। लंदन, सिंगापुर और दुबई में इसके सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं और ये पीछे बारकोड दिए हुए ओरिजिनलिटी की पहचान होती है। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मैं ये पर्सनली यूज़ कर सकती हूँ इसलिए मैंने आपको एडवाइस किया। ये बहुत अच्छा है, मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने आपको एडवाइस किया। पीछे यहाँ पे मेथड ऑफ यूज़ है, फॉर बेस्ट रिजल्ट्स इंग्रेडिएंट्स। आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए यूज़ इन द इवनिंग, स्पेशली सूटेबल फॉर रिमूविंग मेकअप, फॉलो अप विद VLCC हनी मॉइस्चराइजर। मैं इसका रिव्यू भी जल्द कर दूंगी, मैं आपको दिखा दूंगी। ये 140 की है फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो आप इसे बाय कर सकती हैं। इस तरह का ये प्रोडक्ट है, आप सेम प्रोडक्ट लें। और भी बहुत सारे चीप ब्रांड होते हैं, उसका आपको क्लिनजिंग मेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये किस तरह की है मैं आपको दिखा देती हूँ अपने स्किन पर। आपने एक थोड़ा सा अमाउंट लेना है। सो फ्रेंड, आपने इस तरह से इसे अपने अमाउंट को फेस पे लेना है और पहले अपने फिंगर टिप से इस तरह से आपने इसे सर्कुलर मोशन पे अपने स्किन पे फैला लेना है। अगर आप पार्टी वगैरह से भी आती हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं मेकअप को रिमूव करने के लिए, और इससे सारे डर्ट्स भी रिमूव हो जाते हैं, इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाते हैं और आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग और शाइनी हो जाएगी। और इस तरह से आप सर्कुलर मोशन पे करते जाएँ, आइज़ के पास भी, नोज़ एंड चिन एरिया और चीक एरियाज पे कंटिन्यू अपने फिंगर से रब करती जाएं और इस तरह से फैला लें। और फिर आपने एक कॉटन से इस तरह से इसमें सब रिमूव कर लेना है और आप इस तरह से होल नाइट भी सो सकती हैं और चाहे तो वॉश भी कर सकती हैं, या फिर आप रोज़ वाटर की हेल्प से इसे और निकाल सकती हैं। सो फ्रेंड, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।